आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो होते ही। बकरा ईद पर स्वीडन में कुरान जलाए जाने के बाद दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। इस घटना के बाद सभी मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। यहां तक कि पोप फ्रांसिस ने भी कुरान जलाने की आलोचना करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया था। इंडिया में भी कई लोगों ने कुरान जलाए जाने की आलोचना की थी, तो वही दूसरी तरफ इंडिया के कुछ लोगों ने कुरान जलाए जाने का समर्थन भी किया था। सऊदी, यूएई, कुवैत सहित कई देशों ने कुरान जलाने की घटना के बाद स्वीडन के राजपूत को तलब किया था। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी इस मामले को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और इस घटना के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, जिसके बाद स्वीडन सरकार ने कुरान जलाए जाने के मामले की आलोचना करते हुए बयान जारी किया है। स्वीडन सरकार ने कहा कि ये इस्लामोफोबिक काम है। स्वीडन सरकार ने कहा, सरकार पूरी तरह से जानती है कि स्वीडन में प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों का इस्लामोफोबिक काम मुसलमानों के लिए अपमानजनक हो सकता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये किसी भी तरह से स्वीडिश सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करता। Это святыня мусульманская, и для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Subscribe and press bell icon to get daily updates.